Hello everyone, welcome back to channel. So today we are going to discuss magic box. मैंने ये टॉपिक इसलिए पिक किया बिकॉज ये टॉपिक जनरली कोई इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैजिक बॉक्स पे कैट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। मतलब अगर आपको मैजिक बॉक्स पता है जो 3x3, 4x4, 5x5, ये तीन ही हमको याद करना है जो कि 2017 में 3x3 का आया था। अगर आपको मैजिक बॉक्स पता है सो जब भी अगर मैजिक बॉक्स पे क्वेश्चन है आप लेस देन 1 मिनट में उसको नेल कर लोगे। और क्वेश्चन में कुछ वैरायटी रहता नहीं है, जस्ट आपको मैजिक बॉक्स ड्रॉ करने रहता है और उसमें से उन्होंने एक वैल्यू पूछ दिया रहता है। ठीक है, मैंने 2017 का क्वेश्चन भी लाया है, उसको हम सॉल्व भी करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में। सो स्टिक विद द वीडियो टिल द एंड। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम 3x3 का मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और उसको एक थोड़ा सा ट्रिक मतलब समझने का कोशिश करते हैं कैसे हम उसको याद रख सकते। ओके, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, बस आप खुद से भी समझ सकते हैं कि मुझे कैसे याद रखना है। जैसे मैंने किया कि मैंने खुद से समझ के उसको वैसे याद कर लिया था। और एक और पॉइंट कि इस टाइप के क्वेश्चन, मैजिक बॉक्स के टाइप के क्वेश्चन मॉक में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो IMS के एक मॉक में मैजिक बॉक्स का क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर मॉक में भी आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक्स का जो परसेंटाइल और स्कोर होता है वो मेरे मोटिवेशन देता है। अगर नंबर कम है तो डिमोटिवेट हो जाओगे, तो इसीलिए हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है चाहे वो एक बार आया हो या दो बार आया हो। ठीक है, चलो ये मेरा 3x3 का मैजिक बॉक्स हो गया। ओके, अब इसमें नंबर हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो इसका हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सेंटर में हम पहला वैल्यू डालते हैं 1। ठीक है, देखो हमेशा ना इसमें डायगोनली देखना, मतलब ऐसे डायगोनली एरो देखना। देखो 1 के बाद ऊपर डायगोनली किया तो यहाँ तो कोई नहीं है बॉक्स, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। मतलब डायगोनली किया कोई बॉक्स नहीं है तो डायरेक्ट नीचे, तो यहाँ पे 2 होगा। अब देखो यहाँ पे डायगोनली किया कोई बॉक्स नहीं तो डायरेक्ट यहाँ यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले बॉक्स में आ गए, तो ये हो गया मेरा 3। देखो डायगोनली यहाँ पे फिर किया तो ये ऊपर में तो बॉक्स है बट ये फिल है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है उसके हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया मेरा 4। अब फिर डायगोनली चलते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 6। देखो यहाँ पे डायगोनली लिया तो यहाँ तो बॉक्स है नहीं, सो स्ट्रेट अवे हम नीचे आ जाएंगे। जैसे ये किया 7, ये डायगोनल, तो यहाँ इस रो में हम डायरेक्ट लास्ट में आ गए। ये हो गया मेरा 8, यहाँ से डायगोनल किया, इस रो में हम लास्ट में आ गए 9। ठीक है, ये हो गया 3x3 का। एक बार और ड्रॉ करके तो मैं समझा देता हूँ और इसके बाद हम 5x5 का ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो मेथड मैंने ये 3x3 में इस्तेमाल किया वही 5x5 में भी यूज होने वाला है। फिर उसके बाद हम लास्ट में 4x4 का ड्रॉ करेंगे और देन लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2017 में आया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडिल वैल्यू 1, डायगोनली यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट हम नीचे आ जाएंगे इस रो में, सॉरी इस कॉलम में डायरेक्ट नीचे। 2, डायगोनली कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 3, ऑलरेडी फील्ड है तो डायरेक्ट नीचे। डायगोनल 5, ये डायगोनल 6, देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 7, ये डायगोनल लिया तो डायरेक्ट यहाँ पे। 8, ये डायगोनल लिया तो डायरेक्ट यहाँ पे हम आ जाएंगे नीचे। 9, ओके क्लियर है आप ये? मतलब सीधा एक ना ये डायगोनल एक तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये नीचे कब आना है और यहाँ स्ट्रेट नीचे मतलब एकदम एडजेसेंट डाउन कब आना है और पूरा नीचे कब आना है, इसको आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके अपने माइंड में रख लो। ओके, जैसे मैंने किया था कि हाँ जैसे ऊपर आया यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट नीचे हम आएंगे, फिर जैसे फिर यहाँ गया और इधर बॉक्स है तो हम इस बॉक्स में सबसे लास्ट पे जाएंगे, ऊपर में सबसे बॉक्स में लास्ट पे, इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, चलो 5x5 का सॉल्व करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 5x5 का हम लोग ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। फाइव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हो गया मेरा 5 बाई 5 का मैजिक बॉक्स। सेम इसमें भी हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 1 दिया, ऐसे डायगोनल लिया कुछ नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ गए, 2 डायगोनल लिया बॉक्स है फिल करेंगे, 3 फिर यहाँ डायगोनल लिया खाली है कुछ बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट हम स्ट्रेट वे यहाँ पे आ गए इस रो में सबसे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट में, तो ये हो गया 4 डायगोनल है यहाँ पे 5। देखो यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स है लेकिन वो फील्ड है, तो यहाँ पे हम 6 आ गए डायगोनल 7, यहाँ पे 8। देखो यहाँ पे ये है क्या बोलता हूँ, यहाँ पे हमने सीधा लिया तो ये यहाँ पे देखो बॉक्स है, तो यहाँ पे हमने सीधा लिया तो यहाँ पे बॉक्स तो नहीं है, लेकिन मतलब जैसे ये हम अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करें ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डायगोनल ड्रॉ किया तो इस यहाँ पे मतलब एक तो बॉक्स है नीचे, तो डायरेक्ट हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 9 हो गया, फिर जैसे हुआ यहाँ पे बॉक्स नहीं आया डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए 10। अब देखो यहाँ पे बॉक्स भी रहा तो क्या बोला कि डायरेक्ट नीचे आना है, अब यहाँ पे डायगोनल 12 12 13 14 15, अब बताया था कि हाँ लास्ट में जब भी है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नीचे आएंगे 16। देखो ऐसे डायगोनल लिया कुछ नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे 17, ये कुछ नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 18 19 20 फील्ड है ऑलरेडी, 21 22 कहाँ जाएंगे डायरेक्ट इधर जाएंगे ना, यहाँ पे बताया ना मैंने 23, ये हो गया मेरा 24 ऐसे डायगोनल, फिर यहाँ से ये बॉक्स है यहाँ पे फील्ड है होगा 25 ठीक है। 5 बाई 5 सेम जो 3 बाई 3 में हमने मेथड यूज किया था वही मेथड हमने 5 बाई 5 में भी यूज किया। ओके आप समझ लेना थोड़ा सा खुद से भी, बिकॉज ये मतलब एकदम परफेक्ट ट्रिक तो नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने खुद से समझ लेना, बेटर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके चलो अब लास्ट सॉल्व करते हैं, मतलब लास्ट 4 बाई 4 का ड्रॉ करते हैं, पर वो बहुत इजी है, 4 बाई 4 बहुत इजी है। ठीक है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बन गया ये। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे में नंबर फिल करते जाएंगे पहले, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके 1 सेकेंड। चलो जी ये मेरा हो गया, नंबर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो जो 4 बाई 4 का मैट्रिक्स होता है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है ना इसमें बीच का 2 नंबर, मतलब यहाँ पे ये 2 नंबर, इसका 2, ये 2 नंबर, इसका ये 2, सॉरी बॉक्स नंबर नहीं, इसका ये 2 बॉक्स एज इट इज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या है 2 3 8 12 15 14, ये मेरा है 5 और ये मेरा है 9 ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो कॉर्नर बॉक्स है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 1 सेम एज इट इज, इस ये बॉक्स और ये बॉक्स, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब ये जो 4 बॉक्स बचा बीच का, इसको भी हम इंटरचेंज करेंगे आपस में, मतलब ये क्रॉस इंटर इंटरचेंज होगा, मतलब 11 वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 वाला यहाँ पे और 10 वाला यहाँ पे और ये 6 वाला यहाँ पे ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा मेरा 6 ठीक है। सो ये हो गया 4 बाई 4 का मैट्रिक्स। बस यहाँ पे 3 पॉइंट रखना है, 4 पॉइंट याद रखना है, ये जो बॉक्स है उसको एज इट इज हमको ड्रॉ कर लेना है, ये वाला और ये वाला ठीक है, फिर बाद में जो कॉर्नर है इनको हमको आपस में इंटरचेंज कर लेना है, मतलब ये डायगोनल कॉर्नर ये और ये आपस में इंटरचेंज होगा, यहाँ पे बता देता हूँ ये आपस में इंटरचेंज होगा और ये आपस में इंटरचेंज होगा, देन जो बीच का
चार बच रहा है, चार बॉक्स, उसको भी हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, सो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, आप सम करके देख लेना, सभी सम एक ही आएगा। हमको पता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने सम वगैरह करके बताया नहीं, ठीक है? आप कर लेना, आपको सेम ही आएगा। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो 2017 का आया था। ये मेरा क्वेश्चन है, द नंबर 1 से 9 तक आर अरेंज इन 3x3 स्क्वायर ग्रिड, मतलब 3x3 मैजिक बॉक्स हुआ, इन सच अ वे दैट ईच नंबर ऑकर्स वन एंस द एंट्री अलोंग ईच कॉलम ईच रो एंड ईच ऑफ टू डायगोनल, ओके, एड अप टू द सेम वैल्यू। मतलब वही मैजिक बॉक्स का जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आप किधर से भी ऐड करो वो सेम वैल्यू ही आने वाला है। मैजिक बॉक्स का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब अगर आप ये ऐड करो तो सेम आएगा, 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 ये ऐड करो तो सेम आएगा। वही चीजें उन्होंने बस लिख के बताया है। ओके, इफ द टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट एंट्रीज ऑफ द ग्रिड आर 6 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द बॉटम मोस्ट बॉटम मिडल एंट्री इज। अब देखो वही सिंपल एक वैल्यू पूछा है बॉटम मिडल एंट्री का, तो 3x3 का मैट्रिक्स हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा 1 है, यहाँ पे 2, ये हो गया मेरा 3, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 4 5 6, यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे 7, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया मेरा 9, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट एंट्री ऑफ द ग्रिड आर 6 एंड 2, 6 मेरा यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, और ये मेरा टॉप लेफ्ट। अच्छा मतलब ये जो अगर हम ग्रिड बोले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऐसा ग्रिड होना चाहिए, मतलब अपना सही है मैजिक बॉक्स, बस हम उसको इंटरचेंज कर देंगे थोड़ा सा। बस एक बार समझ लेना कैसे होगा, ये 6 1 8 7 5 3 2 9 4, मतलब ना मैंने इसको सिंपल ऐसे थोड़ा सा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे है तो थोड़ा सा एंटी, मतलब एकदम पूरा 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। ओके, सो ये मेरा आया। अब यही तो बोल रहा है ना कि टॉप लेफ्ट में 6 है और टॉप राइट में 2 है, तो हमको बॉटम मिडिल एंट्री बताना है, तो बॉटम मेरा क्या होगा, ये, और मिडिल क्या होगा, 3, तो आंसर हो गया 3, वेरी सिंपल। अगर देखो जैसे यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रोटेट, इसको रोटेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ा। अगर हम पेन पेपर पे करें तो हम तो पेन पे पेज को ही रोटेट कर लेंगे ना, तो बस हमने एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ किया, वहीं से डायरेक्ट हम आंसर करते हैं। मतलब कितना लगेगा इसको, 20 सेकेंड मैजिक बॉक्स ड्रॉ करने में, 20 सेकेंड में बहुत ज्यादा है, आंसर करने में 2 सेकेंड, थीटा में था मतलब 25 सेकेंड में 3 नंबर, कितना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करेगा आपको एग्जाम सिनेरियो में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। अगर बाय द वे 5x5 मैट्रिक्स का भी आता है तो वो भी 1 मिनट से कम नहीं लेगा, 4x4 का भी आता है तो वो तो बहुत ईजी है और वो भी 1 मिनट से कम नहीं लेगा। सो देख रहे हो, मतलब ये 3 नंबर ना सिर्फ मैजिक बॉक्स याद करने को दिए थे 2017 में, हाँ भैया आपको मैजिक बॉक्स याद है तो आप 3 नंबर फ्री के लेकर जाओ मेरे यहाँ से, और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करता है एग्जाम सिनेरियो में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करवाते इंस्टीट्यूट वाले, ये तो मैजिक बॉक्स पढ़ाते भी नहीं है इवन दो, बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने बाकी के टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है ये सेम उतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन एक आ गया ना तो 3 का प्लस हो जाएगा, मतलब अगर 99 पे हो आप तो 99.34 पे चले जाओगे, और यहीं पे सिलेक्शन का डिफरेंशिएट क्रिएट होता है, ठीक है। सो चलो बाय बाय, टेक केयर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।